हे गाइस, गुड मॉर्निंग. दिस इज़ पॉलमी एंड वेलकम टू माय चैनल बाइफोकल ज़िंदगी. कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे हो. मैं भी अच्छी हूँ. सो आज शादी का दिन है और अभी नहा वहा के रेडी हो चुकी हूँ. अभी मैं भी पार्लर जा रही हूँ और प्रियंका भी जा रही है, वो भी सजेगी और मैं उसके साथ ही जा रही हूँ. बाद में मैं भी थोड़ा मेकअप कर लूँगी, पार्लर बुक करके रखा है. और इधर सारा सामान अच्छे से पैक कर लिया है जो भी करना है, तो देखते हैं क्या होता है. आपके साथ मैं सब कुछ शेयर करती हूँ. अभी है, आज है शादी का दिन और हम लोग हॉल में आ चुके हैं और मैंने भी थोड़ा सा मेकअप वगैरह किया है. मैं थोड़ी देर में आपको अच्छे से मेरा लुक दिखाऊंगी, कैसी लग रही हूँ ज़रूर बताना. पीछे प्रियंका का फ़ोटोशूट चल रहा है. ज़्यादा मैं आज बात नहीं कर पाऊँगी, ढेर सारा काम है, लेकिन आपको पहले पूरा हॉल का एक व्यू दिखा देती हूँ. इस तरफ चल रहा है हमारे दुल्हन का फ़ोटोशूट. मैं और प्रियंका ही अभी आए हैं हॉल पे, बाकी सब लोग रेडी होके आ रहे हैं. मैं पहले आ चुकी हूँ और फ़ोटोग्राफ़र लोग भी आ चुके हैं, तो सबसे पहले उसका जितना भी सिंगल फ़ोटोशूट है वो सब हो रहा है. तो चलिए मैं आपको पूरे हॉल का एक टूर दे देती हूँ. तो इस तरफ देखिए, लेफ्ट हैंड साइड पे प्रियंका बैठी हुई है, इस तरफ दुल्हन बैठेगी और दुल्हन से मिलने जितने भी लोग आएंगे वो लोग बैठने का अरेंजमेंट इस तरफ किया गया है और ऐसा स्टेज बनाया गया है. बहुत ही बड़ा हॉल है तो इसलिए, और मिडिल में रोड है और राइट साइड पे देखिए और एक जगह बनाया गया है जिस तरफ दूल्हा और जितने भी बाराती आएंगे वो लोग राइट हैंड साइड पे बैठेंगे. और बीच में से रास्ता है और सीधा जो पर्दा दिख रहा है ना वो मेन एंट्रेंस है. लेफ़्ट साइड पे मंडप बनाया गया है, देखिए बहुत ही सुंदर मंडप बनाया गया है, सिंपल में बहुत ही सुंदर. मुझे तो बहुत पसंद आया, आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट पे. तो घुसते के साथ राइट हैंड साइड पे मंडप बनाया गया है और दूसरे साइड में जैसे लेफ़्ट हैंड साइड में है ये सब स्टार्टर वगैरह का. तो यहाँ पे तब तक सब कुछ रेडी ही हो रहा था तो मैंने तभी क्लिपिंग्स लिया है. सारा स्टार्टर वगैरह, चाय कॉफ़ी और जितना भी है वो सब यहाँ पे लगेगा स्टॉल्स. और ये देखिए एंट्रेंस, उसको भी बहुत ही सुंदर वे से सजाया गया है. एंट्रेंस के राइट हैंड साइड में दूल्हा बैठने का जगह, लेफ्ट हैंड साइड में दुल्हन बैठने का जगह. तो बड़ा हॉल है इसलिए ऐसे सजाया गया है. और उसके बाद जो सीधा रोड है उस सीधे जाके उसके बाद खाना खाने का जगह, जहाँ पे लोग जो भी आएंगे वो लोग जो खाना वगैरह खाएंगे उसका डेकोरेशन किया गया है. तो चलिए वो जगह भी मैं आपको दिखा देती हूँ. पूरा का पूरा बुफे सिस्टम है, तो एक तरफ सारा वेज आइटम है, एक तरफ सारा नॉन वेज आइटम है. क्या क्या है मैं दिखा नहीं पाई क्योंकि मैं जब शूट कर रही थी ना तब ये लोग सब कुछ रेडी कर रहे थे तो मेरे से नहीं हुआ, इसलिए मैं नहीं दिखा पाई. और घर पे शादी होता है ना तो बहुत सारा काम होता है, सब कुछ का क्लिपिंग्स लेना मेरे से पॉसिबल नहीं हुआ इसलिए मैं नहीं दिखा पाई. तो इस तरफ आपने देखा खाने पीने का पूरा अरेंजमेंट किया गया है और ये ऑल टुगेदर पूरा हॉल का डेकोरेशन है. तो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताना. देख लीजिए मेरा पूरा लुक, मैंने ऐसे करके साड़ी पहना है, ज्वेलरी वगैरह पहना है. और कैसी लग रही हूँ प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना. और इधर है दोनों भाई बहन प्रियंका और मनोजीत. और ये देखिए मनोजीत ये ड्रेस पहना है, धोती और कुर्ता. और प्रियंका तो बहुत ही सुंदर लग रही है. आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताना दोनों का ही. अभी शादी का टाइम है, दूल्हा आ चुका है और प्रियंका भी जा रही है मंडप में शादी के लिए. तो उसका ये प्लान था कि ऐसे उसको ले के जाया जाए कि चुन्नी में ऊपर डाल के और सारे भाई लोग उसका चुन्नी पकड़ के उसको लेके जाए. तो ये बंगाली शादी में नहीं होता है लेकिन प्रियंका का बहुत मन था ऐसे करने का तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट किया गया है. और अभी उसको मंडप पे ले जाया जा रहा है. Thank you.
अभी मयंका फेरा ले रही है और हम में इसको शातपाक बोलते हैं। और यहाँ पे देखिए घूम के आके फूल घूम के पैरों पे डाला जाता है, उसके बाद फिर एक राउंड ऐसे करके 7 राउंड्स वो 7 फेरे लेती है। तो ऐसे ही हमारे शादी में होता है, डिफरेंट जगह का डिफरेंट डिफरेंट होता है, हम लोगों के इस तरफ ऐसा ही होता है। तो यहाँ पे देखिए हम सब उसको मंडप में घुमा रहे हैं एक एक करके। सो 7 फेरे हो चुके हैं, लास्ट राउंड ये हुआ है और उसके बाद माला बदल वगैरह होगा। तो सारा क्लिप ना नहीं आया है, मैं किसी को बोली थी देखने के लिए लेकिन सब कुछ मैंने देखा कि नहीं हुआ है। तो दोनों के हाथ में ऐसे फूलों का कुछ रहता है ना, उसमें से 2 चीज़ें एक्सचेंज किया जाता है, यही हम लोगों में रिचुअल होता है। तो ये करने के बाद फिर माला बदल होता है, लेकिन वो क्लिप मेरे से मिस हो गया है, मुझे नहीं मिला है तो इसलिए मैं वो नहीं डाल पाई और शादी ख़त्म हो जाता है। तो ये देखिए माला बदल भी हो गया है, अभी दुल्हा दुल्हन के साथ थोड़ा फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। शादी ख़त्म होने के बाद मैं और मनोजीत आए हैं यहाँ पे प्रियंका के साथ थोड़ा फ़ोटो खिंचवाने के लिए, और सोचा आप लोगों से भी उसको एक बार मिला देती हूँ। तो शादी अभी हो गया है, अभी थोड़ी देर में कन्यादान होगा और फिर सिंदूर दान ये सब होगा। तो अभी ग्रूम के साथ थोड़ा बहुत रिचुअल चल रहा है, इसलिए प्रियंका यहाँ पे आके बैठी हुई है। थोड़ी देर में उसको भी फिर से मंडप में ले जाऊँगी और उसके बाद नेक्स्ट रिचुअल शुरू होगा। अभी देखिए पापा भी पीछे बैठे हुए हैं और अभी यहाँ पे कन्यादान हो रहा है, तो पापा कन्यादान करके उठ जाएंगे, उसके बाद बाकी का जो भी रिचुअल है वो होगा और सिंदूर दान वगैरह वो सब होगा। तो अभी सबसे पहले कन्यादान करना है तो वही पापा अभी करेंगे। कन्यादान हो गया है तो अभी नेक्स्ट जो रिचुअल है वो दुल्हन का छोटा भाई करता है। तो यहाँ पे प्रियंका का एक कज़िन ब्रदर है, प्रियंका से छोटा है, तो वो बैठा हुआ है और वो उसके सामने देखिए बहुत सारा पफ्ड राइस रखा हुआ है, वो दूल्हा दुल्हन को देगा थोड़ा थोड़ा करके, उसके बाद उसी पफ्ड राइस को दूल्हा दुल्हन जो अग्नि है उसमें डालेंगे। तो यही ये रिचुअल होता है। तो ये देखिए भाई जो है थोड़ा थोड़ा करके मंत्र पढ़ पढ़ के ये उन दोनों को देता है, ऐसे यही रिचुअल होता है। शादी कंप्लीट हो गया है तो अभी लास्ट है सिंदूर दान, तो अभी प्रियंका का हस्बैंड प्रियंका का सिंदूर दान करेगा। तो ये क्लिप भी आप देख लीजिए। सिंदूरदान लास्ट रिचुअल होता है, सिंदूरदान के बाद शादी कंप्लीट हो जाता है और कोई रिचुअल नहीं है। उसके बाद दूल्हा दुल्हन खाना वगैरह खाएंगे और आज रात के लिए रिचुअल इतना तक ही है।
चलिए आज के ब्लॉग को मैं यहीं तक रखती हूँ। आशा करती हूँ ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मिलती हूँ फिर आपके साथ एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए अच्छे से रहिए, खुश रहिए एंड कीप वॉचिंग बाई फोकल जिंदगी।